दाभोलकर कहिए। गणपत राव हमारा वफादार है। सो तो है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक उसने उस जालसाज का पर्दा फाश कर दिया हो। जालसाज नहीं, पाखंडी, फरेबी, ढोंगी, इन भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाता है। हाँ। आप कौन? इस गांव का वैद्य, वैद्यराज कुलकर्णी। मैंने हमेशा इन गांव वालों को एक बात बोली है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जाओ जाओ, अंदर गांव में जाके देखो, अपनी आंखों से देखो, जाओ। दीक्षित, गणपत राव को यहाँ होना चाहिए था, कहीं नजर नहीं आ रहा। जय साईनाथ। अरे इसे क्या हो गया? जय साईनाथ। गणपत, तुम्हारी वर्दी कहाँ है? साहब, आज तक तो मैं अंग्रेजों की मैली चादर बदन पे डालकर खुश होता रहा, लेकिन अब मुझे साई के सत्य की वर्दी मिल गई है। अब मुझे उस मैली चादर से कोई वास्ता नहीं। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम किसके सामने खड़े हो? काल से बढ़कर तो आपका ओहदा हो नहीं सकता, और मैं तो यहां महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करके आया हूं। गणपत साहब, आपसे पुराने संबंध को याद करके मैं यहां आपको रास्ता दिखाने चला आया। अगर आप भी बाबा का आशीर्वाद लेकर अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे आइए। जय साईनाथ। चलो चलकर देखते हैं कि ये बेवकूफ किस तरह हमारा जीवन धन्य करेगा। साईं बाबा। तहसीलदार चांदोरकर, मुझे हर काम समय पर करना ही पसंद है, खाने के समय खाना और बातों के समय बातें। भगवान भला करेगा, शुरू करो। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। बाबा, आप भोजन नहीं करेंगे? जैसे एक माँ का पेट अपने बच्चे को खाना खिलाकर भर जाता है, वैसे ही हमारे भोजन कर लेने से बाबा की भूख खत्म हो जाती है। नहीं अब्दुल काका, जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है। मैं खाने के लिए नहीं जीता लक्ष्मी। जीने के लिए तो खाओ बाबा, अपने लिए नहीं तो हम सबके लिए खाओ। देखो कितने कमजोर हो गए हो तुम, मैं तुम्हें इस तरह उपवास करने नहीं दूंगी। तुम सबको खाना खिलाकर मेरा पेट तो भर जाता है, लेकिन इस माँ का पेट मुझे खिलाए बगैर नहीं भरता। मैं जानता हूं लक्ष्मी, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, लेकिन इस शरीर के रहते तुम्हारी इस प्रेम से दी हुई भाकरी को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा क्यों देवा? ये फकीरी का चोला पहन लिया है तो इसे इस जन्म में तो त्याग नहीं सकता। हाँ, इस शरीर को त्यागने के बाद सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा होगी वो मुझे खिला देना। अभी तो मेरी झोली ले आओ लक्ष्मी, भिक्षा में मिला जो भी होगा वो तुम सब लोगों के साथ मिलकर खाऊंगा। जाओ। अल्लाह हमारे। बोलो साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। हम तो यहां आपके कामों की तफ्तीश करने आए थे, लेकिन आपके दर्शन पाकर
हमारा जीवन धन्य हो गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन हम यहां रुक जाएं। आज्ञा देने वाला मैं कौन हूं? यह सारी शिरडी तुम्हारी जागीर है तहसीलदार चांदोरकर। मुझे तो साईं बाबा नाम का यह आदमी कोई जालसाज लगता है, लेकिन मेरी जागीर में यह सब कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मेरी जागीर में। बाबा मुझसे गलती हो गई, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह भला करेगा, तुम्हारा कल्याण हो।